नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के प्रयासों के बावजूद भारत को एनएफजी की सदस्यता नहीं मिल पाई, आखिर इसके पीछे क्या कारण रहे? वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, क्या इसको विदेश नीति की विफलता माना जाए? एक कूटनीतिक विफलता तो ये है। देखिए, ये होना इतनी बड़ी हाय तोबा का कारण नहीं बनता, इतनी कोहराम नहीं मचती इस पे, अगर इसको इतना बड़े पैमाने पर प्रचारित नहीं किया गया होता। ऐसा नहीं है कि भारत ने पहली बार एनएसजी की सदस्यता प्राप्त करने की कोशिश की है, इसके पहले भी एनएसजी की सदस्यता प्राप्त करने की कोशिशें होती रही हैं और कई कई अड़ंगे भी लगते रहे हैं। इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश तो बहुत खुलकर भारत के समर्थन में और उसकी एनएसजी की सदस्यता के समर्थन में सामने आ चुके हैं, और कई सारे देश आश्चर्यजनक रूप से अभी जो हमारे विपक्ष में खड़े हैं, जिन्होंने हमारे एनएसजी में शामिल होने के प्रस्ताव का विरोध किया, वो पहले हमारे समर्थन में, जैसे ब्राजील हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, ये देश तो पहले समर्थन कर रहे थे एनएसजी सदस्यता का। तो ऐसा क्या हुआ कि ये विरोध करने लगे? निश्चित तौर पर ये कूटनीतिक सफलता इस मायने में है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से जाके अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से मिलके इसको इस तरीके से प्रचारित कर रहे थे जैसे ये कल होने ही वाला है, तो इस वजह से ये बड़ी विफलता बन गई है। लेकिन जैसा हमारे विदेश सचिव जयशंकर जी ने कहा कि ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है और इसको आगे ठीक कर लिया जाएगा, कूटनीति में ऐसा होता है। यदि भी चीन और पाकिस्तान हमेशा भारत के आड़े आते हैं, लेकिन हमने देखा कि भारत सरकार जो है चीन और पाकिस्तान की जो अनियमितता है उनका कभी विरोध नहीं करती विश्व मंच पर। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, और जिस तरीके से पहले चीन एक अलग दुश्मन हुआ करता था और पाकिस्तान एक अलग दुश्मन होता था और पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ ज्यादा था, जो हमने पिछली वेब वार्ताओं में भी बात की है, ये विश्व में जो नए तरह के समीकरण बन रहे हैं उसका एक बड़ा संकेत है। जो एक ध्रुवीय विश्व है जिसमें अमेरिका का एक छत्र साम्राज्य था, उसको लगातार चीन ने चुनौती दी है, और उससे आगे जाकर बात यह है कि वो रूस जो सोवियत संघ से विघटन के बावजूद एक बड़ी शक्ति बना रहा है, महाशक्ति वो नहीं रहा लेकिन एक बड़ी शक्ति बना रहा है, वहां से भी लगातार चुनौतियों के स्वर उभर रहे हैं, तो अमेरिका के लिए मुश्किल वक्त है। और ऐसे में अमेरिका ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया, और भारत तो अमेरिका से दोस्ती चाह ही रहा था क्योंकि भारत के लिए कई सारे मोर्चों पर अमेरिका का साथ जरूरी हो गया है। लेकिन चीन और पाकिस्तान जिस तरह की जुगलबंदी कर रहे हैं, और बड़े मजे की बात यह है कि जो चीन भारत को शामिल किए जाने के लिए एनपीटी की अनिवार्यता बताता है, उस चीन ने और उस पाकिस्तान ने खुद ही एनपीटी की शर्तों का लगातार उल्लंघन किया है। चीन एनपीटी का हस्ताक्षरकर्ता देश होने के बावजूद भी अपनी परमाणु तकनीक को उत्तर कोरिया को और पाकिस्तान जैसे देशों को देता रहा, ये आरोप उस पर लगातार लगे हैं। और पाकिस्तान ने तो परमाणु समझौते के किसी भी पक्ष का जो है पालन कभी किया ही नहीं है। पाकिस्तान के बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो इस तरह के आरोपों में पकड़े गए हैं और जेल तक जाना पड़ा है उनको कि उन्होंने परमाणु तकनीक दूसरे देशों को बेच दी है। तो ऐसे दो देश मिलकर, भारत जैसे देश जिसने परमाणु प्रयोग जरूर किए हैं लेकिन परमाणु ऊर्जा का उपयोग हमेशा शांति के लिए किया है, जो भारत का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इतना बड़ा बना है, वो ऊर्जा केंद्र एक बड़ा उदाहरण है दुनिया के सामने कि हमने अपनी परमाणु शक्ति का उपयोग लगातार शांति की तरफ किया है। लेकिन हमने अपनी परमाणु शक्ति का उपयोग बम बनाकर उसका प्रयोग करने के लिए इसलिए भी किया है कि हमारे पड़ोस में ऐसे राष्ट्र हैं पाकिस्तान जैसे और चीन जैसे जो हमारे लिए खतरा बने हुए, और इतनी बड़ी परमाणु शक्ति है। एनएसजी की सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसके अभी 48 देश सदस्य हैं, यह है कि भारत का जो परीक्षण हुआ था 1974 में, उसके जवाब में ही ये एनएसजी जैसे समूह को बनाए जाने की आवश्यकता महसूस की गई थी, और 1975 में इसकी पहली बैठक हुई थी। अब ये विडंबना है कि भारत के परमाणु प्रयोग के विरोध में जो एनएसजी खड़ी हुई थी वो आज दुनिया के परमाणु तकनीक के प्रचार प्रसार के चौधरी बन गए हैं, और वो तय कर रहे हैं कि कौन किसको परमाणु तकनीक दे सकता है और नहीं दे सकता है। और इस शक्ति का दुरुपयोग दरअसल उन्होंने उन देशों की राह रोकने के, भारत जैसे देशों की राह रोकने की दिशा में भी किया है जो दरअसल परमाणु तकनीक का बेहतर उपयोग करना चाहते हैं। तो ये जो लामबंदी हुई है, जो गुड़बंदी हुई है, जो दुनिया के चौधरी खड़े हो गए हैं और परमाणु पर अपना अधिकार मानते हैं और दुनिया के दूसरे देशों को एनपीटी पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करते हैं लेकिन खुद एनपीटी की शर्तों को नहीं मानते, वो निश्चित तौर पर हमारे लिए बड़ा रोड़ा है। और चीन और पाकिस्तान तो हमारे पहचाने हुए दुश्मन हैं। हमारी उम्मीद थी कि चीन इस बार थोड़ा बदलेगा रंग, लेकिन उसने नहीं बदला। चीन से हम हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के विरोध में जो पीठ में छुरा घोंपा गया था उससे भी भुगत चुके हैं, तो चीन से अभी और अधिक सावधान रहने की जरूरत है। चीन की दीवार दुनिया में हमारे सामने बड़ी मजबूत बनकर खड़ी हुई है। नवंबर में अमेरिका का राष्ट्रपति भी बदलेगा, ऐसी स्थिति में क्या भारत की इस मुहिम पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, इस बार जो थोड़ी जल्दबाजी थी, जो सियोल में विशेष बैठक एनएसजी की हो रही थी, उसके पहले ताशकंद में जाकर भी वहां पर चीनी राष्ट्रपति से मिलकर कोशिश की गई, उसके ठीक पहले 5 देशों के प्रधानमंत्री की यात्रा हुई, इस सब का मकसद ये था कि राष्ट्रपति बदलें
समीकरण बदलें, उनसे पिछले 2 सालों में जो गर्मजोशी बनी है, जो आत्मीयता बनी है, जो दोनों में सामंजस्य कायम हुआ है, उसका उपयोग करते हुए, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति वहां पर राष्ट्रपति बन जाए अमेरिका में, तो पता नहीं समीकरण किस दिशा में जाएगा। भारत विरोधी नारे वो लगातार देते रहे हैं, अपने चुनावी भाषणों में भारत के खिलाफ बातें करते रहे, तो ऐसे में भारत को निश्चित तौर पर अगर जल्दबाजी थोड़ी रही कि ओबामा राष्ट्रपति पद से हटे उसके पहले उनका काम हो जाए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। गलती कुछ अन्य स्तरों पे हुई है, ये सोचने वाली बात है कि हमारी तैयारियों में कहां कमजोरी रह गई। ब्रिक्स देशों के जो सदस्य राष्ट्र हैं, ब्राजील जैसे देश, वो हमारे खिलाफ कैसे खड़े हो गए, स्विट्जरलैंड जैसा देश जिन्होंने वहां पर मुलाकात के दौरान हमें भरोसा दिया एनएसजी में समर्थन का, और इन वक्त पर वो पलट गए। क्या चीन ने इन सबको हमारे खिलाफ भड़काया? अगर भड़काया तो वो भड़काने में सफल कैसे हो गया और हम विफल कैसे हो गए? इन सवालों का जवाब तो निश्चित तौर पर हमारे राजनीतिज्ञों के साथ साथ हमारे जो अफसर हैं उनको भी देना होगा। क्या वो कूटनीति की भाषा को ठीक से नहीं पढ़ पाए, ये भी समझने वाली बात है। एक चाल जो है हमारी विफल हुई है, लेकिन अभी हमारे लिए राह खत्म नहीं हुई है। ये जो माहौल बना है, हो सकता है कि आगे जाकर हमें एनएसजी की सदस्य दिलवाने में कामयाब हो जाए। चीन को लेकर भारत में काफी नाराजगी है, लोगों का मानना है कि चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, WTO का सदस्य होने के नाते ये आसान नहीं है। ये बात सही है कि चीनी माल जो है उसने हमारे बाजारों पर कब्जा कर दिया है, खासतौर पर सस्ते चीनी माल ने हमारे यहाँ के बहुत सारे लघु और कुटीर उद्योगों की तो जान ही ले ली है। हम देखते हैं कि हमारी होली की पिचकारियां और दिवाली की झिलमिल लड़ियां जो है वो भी चीन से आने लगी हैं, और वो इतनी सस्ती आती हैं कि यहाँ पर उनको बनाने वाले कारीगर जो है वो भूखों मरने की नौबत आ गई है। आज आप बात करते हैं कि चीन का विरोध हो रहा है, चीनी उत्पादों का विरोध हो रहा है, काय पर हो रहा है? मोबाइल फोन के जरिए, व्हाट्सएप और फेसबुक पर हो रहा है, लेकिन जो मोबाइल फोन के जरिए कर रहे हैं वो फोन ही चाइना में बने हुए हैं। आज मेड इन चाइना तो जैसे एक जमाने में मेड इन अमेरिका इस तरह की छाप मिलना बहुत आसान था, वैसे हर चीज पर, जूतों पर, कपड़ों पर मेड इन चाइना की छाप है। तो लोग कुछ सीमित वस्तुओं का उपयोग बंद करके जरूर अपना विरोध जता सकते हैं, लेकिन इनको पूरी तरह बंद करना व्यावहारिक रूप से इस वक्त कठिन है। लेकिन अगर सारा देश ठान ले, भारत दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बाजार भी है, खासतौर पर चीन और अमेरिका जैसे देश तो भारत को तमाम कूटनीतिक विरोध के बावजूद भी एक बड़े बाजार के रूप में देखते हैं, और इसीलिए भारत को अपने साथ रखना चाहते हैं। चीन का भी व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो अगर चीन हमें कूटनीतिक स्तर पर इतनी तकलीफें दे रहा है, राजनीतिक स्तर पर इतनी तकलीफें दे रहा है, हमारी सरहदों पर भी अतिक्रमण वो लगातार करता रहता है, अक्साई चीन का मामला भी लटका ही हुआ है, जब तक वो लद्दाख में घुसपैठ करके हमें आंख दिखाने की कोशिश करता है, तो किसी न किसी स्तर पर तो उसको ये संदेश देना होगा कि भारतीय इस तरह की जो हरकतें हैं चीन की, उसको चुपचाप नहीं सहेंगे। चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की बातें तो बहुत हो रही है, लेकिन गांधी जी के जमाने में जिस तरीके से विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी, वो एक आंदोलन चला था, लोगों ने सड़कों पर आकर अपने बहुत बहुमूल्य वस्तुओं का भी बिल्कुल खुले दिल से विरोध करते हुए बहिष्कार कर दिया था, त्याग दिया था। आज के इस जो भौतिकवादी युग में क्या लोग इतनी आसानी से चीन की वस्तुओं को छोड़ पाएंगे? खासतौर पर भारत की एक मानसिकता की दिक्कत, वो गरीबी के कारण कह लें या कुछ और चीज के कारण कह लें, जो चीज सस्ती दिखती है और आसानी से उपलब्ध होती है उसकी तरफ हम सहज ही आकर्षित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि अगर एक ही चीज है लेकिन कोई 10 रुपए में बेच रहा है और कोई 6 रुपए में बेच रहा है, स्वाभाविक है हम 6 रुपए की वस्तु, हम ये सोचने के बजाय कि 10 रुपए में भले ही दे रहा है, लेकिन भारतीय व्यक्ति है, हमारा व्यक्ति है, मेहनत से बनाया है, हाथ से बनाया है, तो इसको बनाने में पैसा वक्त ज्यादा लगता है, ये सोचने के बजाय हमारे जेब के 4 रुपए बच जाए, इस उद्देश्य से हम वो 6 रुपए की चीज खरीद लेते हैं, और इसी वजह से हमारे देश में चीनी वस्तुओं का चलन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। क्या भारत को परमाणु अपसार संधि पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए? नहीं करने चाहिए, क्योंकि परमाणु अप्रसार संधि की जो शर्तें हैं वो भारत को मंजूर नहीं है। उसमें एक तरह से वही दादागिरी वाली बात है, न्यूक्लियर देशों की चौधराहट है, इन्होंने अपने अपने हथियार बना लिए, लेकिन जो अब नहीं बना पाए हैं उनको ये बनाने से, प्रयोग करने से रोकते हैं। उसके लिए फिर हमारी जो पहली शर्त है वो ये होनी चाहिए कि सभी देश अपने पूरे पूरे परमाणु हथियारों को खत्म कर दें, आगे वो कोई नया प्रयोग नहीं करें, उस पर हस्ताक्षर करें, फिर भारत NPT का, और ऐसी बहुत सारी अन्य शर्तें भारत की हैं जो बिल्कुल वाजिब हैं, जायज हैं और न्याय संगत हैं, और भारत ने जिस मुखरता, जिस दबंगई, जिस दादागिरी के साथ इन शर्तों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर रखा है और कहा है कि इसके बिना पहले CTBTI थी, कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, और बाद में उसको NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी परमाणु अप्रसार संधि में तब्दील किया गया, ये दुनिया के न्यूक्लियर देशों की दादागिरी है। उन्होंने अपने प्रयोग कर लिए, अपने हथियार जमा कर लिए, और दूसरे देशों को अपनी सुरक्षा के लिए भी इस तरह के हथियार बनाने से मना करते हैं, ये निश्चित तौर पर उनका दोगलापन है, ये नहीं चलने वाला, और भारत को अपने रुख पर कायम रहना चाहिए। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे भारत की NFG सदस्यता पर। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।